माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब मूविंग चार्ज और मैग्नेट सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी। और क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, कहता है एक क्लोजली वाउंड सोलेनोइड आपके पास, ये उसका लेंथ दे दिया है बच्चों, कंप्लीट लेंथ है ना, एंड हैज फाइव लेयर्स, मतलब एक लेयर बाउंड होगा, फिर एक और लेयर बाउंड करके होगा, फाइव लेयर्स, और हर लेयर के पास 400 टर्न्स हैं। तो बच्चों देखो, कन्फ्यूजन मत करना, टोटल टर्न्स जो आएंगे ना वो कितनी बार उसको वाउंड किया गया है, तो हर बार जो वाउंड कर रहा है वो इसको, ये क्वेश्चन में देखो आप, जैसे मान लो 400 टर्न्स एक बार वाउंड करता है और फाइव टाइम्स उसने वाउंड किया है, तो प्यारे बच्चों आंसर अपना 200 टर्न्स आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट कर लो। डायमीटर दे रखा है आपको सोलेनोइड का 1.8 सेंटीमीटर, और करंट कहता है अगर 8 एम्पियर फ्लो कर रहा है यहाँ से, करंट की वैल्यू यहाँ पे मान लो तो करंट इक्वल्स टू 8 एम्पियर्स, देन टेल अस व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना। सो वी अज्यूम दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनसाइड सोलेनोइड इज फेयरली कॉन्स्टेंट। हम लिखते हैं इसको बच्चों म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। ठीक है, म्यू नॉट एन आई पढ़ के सुनाया जाता है। इस स्मॉल एन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ध्यान देना, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने लिखा हुआ है पर यूनिट, और यहाँ लिखा गया बच्चों लेंथ, मतलब अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ है ना, तो आप कर सकते हो कि नंबर डिवाइड बाय लेंथ, नंबर कितना आएगा बच्चों, आई कैन नॉट टेक 400, आई नीड टू टेक टोटल टर्न्स काउंट करने होंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2000 लिख लो, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 80, इसको सेंटीमीटर, अभी इतना रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसको बताऊंगा क्या करना है इसके आगे अपन को। ठीक है, अब ना बच्चों इसको सॉल्व करके देखो आप, ये लिखा हुआ है आपके पास बी का टर्म, म्यू नॉट होता है बच्चों 4π × 10⁻⁷, एन का टर्म हो जाता है 2000 और डिवाइड बाय ये 80 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को बच्चों आपको -2 लिखना चाहिए, मतलब मीटर्स में आना चाहिए अपना ये आंसर, है ना। अब बात करते हैं करंट की, तो करंट आपको 8 दे दिया उसने, उसमें कोई गलती उसने करी नहीं है, इसको थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर लोगे ना बच्चों, तो इससे इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, और इस 8 से इस 8 को भी कैंसिल कर सकता हूँ बच्चों, ये 2 से इसको काटना मत, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 बनेगा, और ये वाला 2 और ये वाले 2 जीरो मिलके 4 जीरो हो जाएंगे, एंड दे विल स्टार्ट लुकिंग लाइक 2 × 8π × 10⁻⁷ है, 4 कम कर लो तो हो जाएगा यहाँ पे 3, और आपका यही मैग्नेटिक फील्ड है, आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों आप लोगों का, टेस्ला में बेसिक सॉल्यूशन है ये इसका, या तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी मार्क्स नहीं काटे जाते हैं, एंड इवन इफ यू विश टू सॉल्व दिस पाई टर्म, तो मैं आपको इसको एक छोटा सा आंसर करके देता हूँ बच्चों, हम यूजुअली पाई को ऐसा लिखते हैं 3.14, लेकिन जैसे ही 2π के बारे में बात आती है तो ये हो जाएगा 6.28, बच्चों इसको ना आप लोग 6.25 कर दिया करो, तब जब भी पाए क्वेश्चन आए, आई सजेस्ट यू आपका क्वेश्चन ना लिमिटेडली जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मतलब आप फेयर साइड पे आ जाओगे, तो उसी हिसाब से अगर 8π की बात की जाएगी ना, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई तो करना होगा, और क्या करना होगा, इफ आई वुड लाइक टू मल्टीप्लाई 4 × 2π, तो ये हो जाएगा 4 × 6.25, तो बच्चे लोग आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर हमारा आंसर क्लोज टू आ गया, ये 25 हो जाएगा और 10⁻³ हो जाएगा, ऐसा भी करा जा सकता है बच्चों, जो एनसीईआरटी में आंसर मिलेगा आपको 2.5, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो तो −3 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा −2, इसको कर लेना आप टेस्ला, और बच्चों यही आपका आंसर है, पाए तक छोड़ दोगे तो भी मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर पाए नहीं सॉल्व हो रहा है तो 2π के मल्टीपल में बातें कर लिया करो, नेवर राइट 6.28, वो फिर डेसिमल में फिर हल्ला करने लग जाओगे, प्रॉब्लम जाएगी, 6.25 लिया और उसको सॉल्व कर दिया, है ना, इतना कोई नहीं पूछता है कि भैया कैलकुलेटर यूज़ करा कि नहीं करा, है ना, अपना आंसर मिल रहा है यहाँ तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।